गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल बी स्टार्टेड न्यू एक्सरसाइज 9 टाइम। टाइम मीन्स समय। द क्लॉक, वी यूज ए वॉच और ए क्लॉक टू रीड टाइम। टाइम को पढ़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वॉच का और क्लॉक का। टाइम इज एक्सप्रेस्ड इन आवर, मिनट एंड सेकेंड। टाइम क्या एक्सप्रेस करता है, आवर्स, मिनट एंड सेकेंड। द फेस ऑफ द क्लॉक कॉल्ड द डायल, जो क्लॉक का फेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि इस चीज को हम क्या कहते हैं, डायल। इज मार्क विद नंबर फ्रॉम 1 to 12, और उसमें कितने नंबर मार्क्स होते हैं, 1 to 12 तक नंबर मार्क्स होते हैं। दीज नंबर डिवाइडेड डायल इंटू 12 इक्वल पार्ट्स, और इसके कितने होते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, और ईच ऑफ दीज पार्ट इज अगेन डिवाइड इंटू 5 स्मॉल डिविजन। अब देखिए 12 से लेके 1 के बीच में कितने डिविजन है, 1, 2, 3, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, क्लियर। यानी पहले तो 1 to 12 इक्वल होते हैं, फिर उनमें भी जो जैसे 12 to 1 में जो एक गैप है उसमें भी क्या होता है, 5 इक्वल पार्ट्स होते हैं। सो द डायल डिवाइड इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इज स्मॉल, 60 इज स्मॉल डिवीजन। मतलब टोटल इसमें जब एक नंबर के बीच में 5 होते थे, टोटल 12 नंबर्स के बीच में कितने हो गए, 60। दीज स्मॉल डिविजन्स आर शो बाय मार्क्स बिटवीन एनी 2 नंबर ऑन द डायल, और ये स्मॉल डिविजन किससे होते हैं, 2 नंबर्स के बीच में। ईच ऑफ दीज स्मॉल डिविजन रिप्रेजेंट ए मिनट। अब इन 2 नंबर्स के बीच के जो स्मॉल डिविजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिनट। ए क्लॉक यूजली हैज 2 हैंड्स, इसमें 2 हैंड्स का यूज किया जाता है। फर्स्ट इज द शॉर्टर हैंड इज कॉल्ड आवर हैंड, जो छोटी सुई होती है, जो शॉर्ट हैंड मीन छोटी सुई होती है वो किसको प्रेजेंट करती है, आवर हैंड यानी घंटे को। एंड द लॉन्गर हैंड इज कॉल्ड द मिनट हैंड, और जो लॉन्गर होती है यानी बड़ी सुई होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, मिनट हैंड को। द आवर हैंड पॉइंट्स टू द आवर एंड द मिनट हैंड पॉइंट्स टू मिनट, जो आवर हैंड होती है वो आवर को रिप्रेजेंट करती है और जो मिनट हैंड होती है वो किसको करती है, मिनट को। सम क्लॉक्स हैव ए थर्ड हैंड टू, कुछ घड़ी होती है जिसमें एक थर्ड सुई भी होती है, तीसरी हैंड, थर्ड हैंड भी होता है, दिस इज कॉल्ड ए सेकेंड हैंड, उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंड के लिए। एज द मिनट हैंड मेक्स 1 कंप्लीट राउंड द डायल 60 स्मॉल डिविजन, द आवर हैंड मूव द डिस्टेंस बिटवीन 1 नंबर एंड द नेक्स्ट ऑन द डायल, दिस लेंथ इज टाइम इज नाउ एज 1 आवर। जब मिनट हैंड पूरा 12 से लेकर पूरा एक आवर कंप्लीट, मतलब पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेती है, यानी कि 60 मिनट जब कंप्लीट हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल 12 से 1 के बीच में आई 1 मिनट, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, 5, टोटल करके 60 मिनट्स वो कंप्लीट कर लेती है, तब क्या होता है, हमारा 1 आवर कंप्लीट हो जाता है। यानी फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपकी 1 पे है शॉर्ट हैंड, तो जब वो मिनट हैंड पूरा एक राउंड करेगी जब तक वो आवर एंड आपकी 2 पे आ जाएगी, मीन्स की 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट या 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। रीडिंग टाइम, समय पढ़ना। लुक एट द क्लॉक एट द राइट, द आवर एंड इज एट 7 एंड मिनट हैंड इज 12, द टाइम इज 7 o'clock। यदि हमारी आवर एंड, ये देखिए आवर एंड 7 पे है और मिनट हैंड किस पे है, 12 पे, तो मींस हमारा टाइम क्या हुआ है, 7 o'clock, क्लियर। बट नेक्स्ट इज, नेक्स्ट वॉच में क्या है, 7 पे आवर एंड है और 2 पे क्या है, मिनट हैंड है, राइट। तो आप क्या बोलेंगे टाइम को, 7:10 बोलेंगे या क्या बोलेंगे, 10 मिनट पास्ट 7। देखिए 12 to 1 5 मिनट्स होते हैं, 5 से इसमें सिंपली होता है कि 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 मिनट्स, 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 मिनट्स, तो 10 मिनट पास्ट 7 भी कह सकते हैं, यानी 2 तरीके से हम इसको, द टाइम्स नाउ इज 7:10 और 7 o'clock एंड 10 मिनट्स, या हम कह सकते हैं 10 मिनट पास्ट 7 यानी 7:10, क्लियर। देन नेक्स्ट इज, नाउ लुक एट द पोजिशन ऑफ ओवर एंड। अब देखिए ओवर एंड की पोजिशन कहाँ है, 8 और 9 के बीच में है, राइट। एंड द मिनट हैंड इज ए थर्ड स्मॉल डिविजन मार्क ऑफ 4, और ये क्या कर रहा है, जो हमारा मिनट हैंड है वो देखिए आपके 4 है उसके भी थर्ड डिवीजन पे है, ना तो 4 पे है ना 5 पे, उसके बीच में जो थर्ड डिवीजन में तीसरा जो गैप है उस पे है, राइट। तो यानी कि क्या हो गया,
फोर को हमने फाइव से किया, 20 हो गया, उसके बाद देखिए 1, 2, 3, तो 21, 22 एंड 23, तो टोटल मिनट्स कितने हो गए, 23। तो अब हमारा क्या हो सकता है, 23 मिनट पास्ट 8, या तो हम उसे लिख सकते हैं 8:23, या हम लिख सकते हैं 23 मिनट पास्ट, यानी 8:23। क्लियर। द आवर एंड बिटवीन 3 एंड 4 एंड द मिनट हैंड है 7 पॉइंट। अब ये 3 एंड 4 में है और हमारा आवर सॉरी मिनट हैंड है 7 में, तो हम इसको कैसे करेंगे, 3:35, तो हम क्या कह सकते हैं, मिनट 35 मिनट पास्ट 3। 7 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, तो क्या आ गया, 35। क्लियर। अब मान लीजिए जैसे हमारा 5 और 6, मतलब कि 6 से 5 और 6 के सेंटर में भी नहीं है, थोड़ा सा और आगे आके आपकी शॉर्ट टर्न मतलब कि आवर एंड है, और 8 पे आपकी मिनट एंड है, तो हम क्या बोल सकते हैं, 40 मिनट्स पास्ट 5। ठीक है, या तो हम ये कह सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं 20 मिनट टू 6, यानी कि 6:20 कम है, या 6:20 है, या हम ये भी कह सकते हैं कि 5:40 हो चुके हैं। क्लियर, हम दोनों तरीके से इसको कह सकते हैं। क्लियर। देन एक्सरसाइज 1, रीड एंड राइट द टाइम शो ऑन द फॉलोइंग क्लॉक। क्लियर। अब फर्स्ट में हमारा क्या आ रहा है, 3 एंड 4 के बीच में है 7, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, टोटल हमने 7 को यदि 5 से करते तो मीन्स 35 मिनट, तो क्या आएगा, 35 मिनट पास्ट 3। इसका क्या होगा हमारा, 15 मिनट पास्ट 7। अब इसमें क्या होगा हमारा, शॉर्ट हैंड है 8 पे और मिनट हैंड है 1 पे, यानी कि 5 हो गए, तो क्या होगा, 5 मिनट पास्ट 8। अब देखिए 9 और 10 के बीच में है आपकी आवर एंड, और मिनट हैंड किसके बीच में है, 5 में, तो हमारा क्या हो जाएगा, 25 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया मीन्स 25 मिनट, तो 25 मिनट पास्ट 9। क्लियर। रीड द टाइम एंड राइट द टाइम इन वर्ड यूजिंग मिनट टू या मिनट पास्ट। ठीक है, हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन में भी मिनट्स में हमने वर्ड्स में किया, आप इसे क्लॉक में भी लिख सकते हैं, जैसे कि 3:35 शो करना है आपको, 3:35 आप इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि इसमें हमें किस में टाइम शो करना है, रीड एंड राइट द टाइम, आप कैसे भी लिख सकते हैं, वर्ड में भी लिख सकते हैं और नंबर्स में भी, बट सेकेंड क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आपको किस में लिखना है, वर्ड्स में ही लिखना है, जैसे कि सेकेंड इज, आप जैसे आपका ये क्वेश्चन है, इसमें आप क्या लिख सकते हैं, आवर एंड है आपकी 10 पे और मिनट हैंड है 9 पे, तो आप क्या लिख सकते हैं, 45 मिनट पास्ट 9, या हम क्या लिख सकते हैं, 45 मिनट्स टू 10, दोनों ऑप्शंस में आप लिख सकते हैं, इसमें आप क्या लिख सकते हैं, 5 मिनट पास्ट 5। क्लियर। इसमें आप क्या लिख सकते हैं, 35 मिनट पास्ट 3, और इसमें आप क्या लिखेंगे, देखिए अब जो आपकी मिनट हैंड है फोर्थ क्वेश्चन में वो क्या है, 8, यानी 40 के बाद 2 पे 41 एंड 42, तो आप क्या लिख सकते हैं, 42 मिनट पास्ट 4, या हम ये भी लिख सकते हैं 42 मिनट्स टू 5, यानी कि 5:20 सॉरी जो भी आपके मिनट्स रहे हैं वो बाकी हैं। क्लियर। तो डू एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इन योर नोटबुक।